सेशन है सेवन आइडियाज टू मेक फाइनेंशियल प्लान सक्सेसफुल, मतलब सात फाइनेंशियल आइडिया जो आपके फाइनेंशियल प्लान को सक्सेसफुल बना देंगे। उसमें पहला आइडिया है क्रिएट अ बजट, सेकंड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, थर्ड सेट फाइनेंशियल गोल एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, फोर्थ प्रोटेक्ट विद इंश्योरेंस, फिफ्थ मैनेज डेट, सिक्स्थ प्लान फॉर टैक्सेस, सेवेंथ क्रिएट एस्टेट प्लान। पहले हम ये सातों सात आइडिया को और ठीक से समझेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान हम पेपर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जो जहां पे हम पहले फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करेंगे, फिर उसे मैनेज करने के लिए समझेंगे और हम समझेंगे कि उसे वेल्थ कैसे एनहांस की जा सकती है फॉर द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और सिंपली वी कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग योर लाइफ गोल्स थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस। और लाइफ गोल में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग अ होम, सेविंग फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज ऑफ योर चाइल्ड, देन प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। ये हमारे मेजर प्लान्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ गोल्स होते हैं जैसे कि बड़े से वेकेशन के लिए जाना या कुछ ऐसा करना जो हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं थ्रू द वेल मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। सो पहले आइडिया को हम समझते हैं जो सबसे क्रिटिकल है, क्रिएट अ बजट। ये बजट क्रिएट करना क्यों जरूरी है? जैसे कि हम कहीं पे भी घूमने भी जाते हैं तो वहां पे हम एक बजट बनाते हैं। क्यों बजट बनाते हैं? कि हम अगर हमें पता है कि हमें कितना खर्च करना है तो हमारे पास कितना अवेलेबल है उस हिसाब से हम खर्च का एक प्लान बनाते हैं और इसी तरह से ही हम खर्चा करते हैं। तो हम प्रॉपरली उस कोई भी वेकेशन हो या कुछ भी जो प्लान हो उसे हम सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पूरे लाइफ गोल्स में एक हमारा बजट होना जरूरी है। तो बजट के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारा नेट इनकमिंग क्या है। इनकमिंग मतलब हमारे इनकम्स क्या है। सो उसे हमें प्रॉपरली समझना है। उसके बाद हमें हमारे जो स्पेंडिंग्स को ट्रैक करना है। ट्रैक करना है मतलब हमें जरूरत पड़े तो हम एक पेपर पे भी उसे जॉट डाउन कर सकते हैं कि भाई हमारे मेजर रेगुलर स्पेंडिंग्स क्या है या इसके अलावा भी हम क्या खर्चा करते हैं, क्या हम कुछ फालतू का खर्चा करते हैं या जो खर्चा कर रहे हैं वो जरूरी है। सो उसे प्रॉपरली जॉट डाउन करना जरूरी है। फिर हमें हमारे गोल्स पता होने चाहिए। सो वो गोल्स हमारे लाइफ के हमें जॉट डाउन करने जरूरी है। जैसे कि हमें रिटायरमेंट के लिए कितना कितनी जरूरत पड़ेगी, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मुझे क्या क्या कौन से साल में कितना जरूरत हमें जरूरत पड़ सकता है। वैसे हमें हमारे गोल्स को एक पेपर पे जॉट डाउन करना जरूरी है। फोर्थ स्टेप है, उसके लिए हमें एक प्लान बनाना जरूरी है। प्लान मतलब ऐसा नहीं कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन उसे पेपर पे डालना जरूरी है। पेपर पे इसीलिए डालना जरूरी है कि हम वो प्लान को ठीक तरह से आगे एग्जीक्यूट कर सके। फिफ्थ स्टेप है एडजस्ट योर हैबिट इफ नेसेसरी। जैसे कि कभी कभी हम जब भी प्लान बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो हम जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने मीन्स नहीं है या हमें इतने सेविंग हम नहीं कर सकते हैं। सो हमें हमारे हैबिट को हमारे फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना बहुत 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 जरूरी है। और सिक्स स्टेप जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है कि वी हैव टू कीप चेकिंग इन, मींस कि हमें उसके चेक करते रहना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक नया यंग बंदा है जो अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं लेकिन उसके मैरिज के बाद उसके प्लान्स चेंज हो जाते हैं तो उसे अगेन ही हैज टू रिवाइज द प्लान, उसे रिवाइज करना होगा। जैसे घर में कुछ किड्स होते हैं, बच्चे होने के बाद भी हमें हमारे प्लान को रिवाइज करना होता है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिवाइज अवर प्लान्स एंड वी हैव टू कीप चेकिंग इट। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और लास्ट में हम हमारा क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे जहां पे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। सो आप एक नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो, जो भी छोटे से छोटा पॉइंट, क्योंकि कभी कभी हम मिस आउट कर जाते हैं ये समझने में कि ये क्या क्या हमें हम समझना चाहते हैं और क्या मैं बताने चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, सेकेंड आइडिया है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड।
इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जो था ये ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमने समझा, क्योंकि हमें ये आइडिया ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जहाँ पे हमें 6 महीना 12 महीना घर पे रहना पड़ेगा और ये इमरजेंसी फंड होना बहुत, बहुत 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 ही जरूरी है। सो जनरली जनरली ऐसा कहा जाता है कि आपका 6 महीने का जो भी एक्सपेंस है वो इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, लेकिन पेंडेमिक में हमने ये समझा कि शायद 6 महीना नहीं लेकिन 12 महीना या 18 महीना भी इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। नो डाउट ये पेंडेमिक ऐसा हर साल नहीं आने वाला है, ये इट्स अ वन ऑफ द इवेंट विच मे कम इन अ 30 इयर्स, मतलब 30 साल में शायद ये एक आध बार इवेंट ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमने ये समझा कि इमरजेंसी फंड फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। होना चाहिए तो कितना होना चाहिए और वो अकॉर्डिंगली हमारे जो भी रेगुलर एक्सपेंसिस है उसका 6 महीने से लेके 18 महीने तक अकॉर्डिंगली योर जॉब प्रोफाइल। जैसे कि कोई कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा क्रिटिकल होता है जो जैसे कि हमने पेंडेमिक में समझा जो सडनली स्टॉप हो जाता है, सो इमरजेंसी फंड का होना बहुत 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 ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ये सारे चीजें अगर हमने ठीक से नहीं की तो फाइनेंशियल प्लान होना को मतलब नहीं बनता है, मतलब फाइनेंशियल प्लान कभी भी आपका फेल हो सकता है। आइडिया नंबर 3, ये थर्ड आइडिया क्या है, जैसे कि सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ये सबसे महत्व का आइडिया है जहां पे हमारे फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, जैसे कि हमें नेक्स्ट ईयर का 3 साल के बाद शायद हमारा जैसे बच्चा अभी छोटा है उसका 3 साल के बाद स्कूल एडमिशन करना है या कॉलेज एडमिशन करना है, वो भी हमारे एक फाइनेंशियल प्लान का एक हिस्सा है जहाँ जो हमें जोट डाउन करना है कि मुझे 3 साल के बाद ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान को करना है। सो फाइनेंशियल प्लान हैज अ 5 aspects, इट्स अ अप्लाई अ स्मार्ट गोल स्ट्रेटेजी। व्हाट इज अ स्मार्ट गोल स्ट्रेटेजी, इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक, हमें पता होना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल गोल है। देन इट हैज टू बी मेजरेबल, मेजरेबल मींस जैसे कि मुझे अगर स्कूल में एडमिशन करवाना है तो 1 लाख का डोनेशन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है तो वो जॉट डाउन होना चाहिए, मींस इट हैज टू बी इन अ नंबर्स मेजरेबल। देन इट हैज टू बी अचीवेबल, जैसे कि मेरा इनकम मुझे पता होना चाहिए और मैं कितना उसे अचीव कर सकता हूँ फाइनेंशियल गोल, ये भी मुझे हमें पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी अचीवेबल, दैट फाइनेंशियल गोल हैज टू बी अचीवेबल। देन इट शुड बी रिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी, जैसे कि कभी कभी हम सोच लेते कि हमें मुकेश अंबानी की तरह एंटीला बनाना है। सो ये ड्रीम अच्छा है लेकिन क्या ये रिलेवेंट है मेरे लिए, अगर नहीं है तो इसे ये हमारे प्लान से प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देन इट हैज टू बी टाइमली, टाइमली मतलब अगर हम हमारी एज ऐसी है कि जहां से हमने काफी देर कर दी है तो यहाँ से क्या हम ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं कि नहीं। सो इट हैज टू बी टाइमली, सो जो भी यहाँ पे यंग है जैसे कि 30 एंड 40 के आसपास है या 25 जस्ट स्टार्टेड जॉब हुआ है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो टाइमली से शुरू करें, और जो टाइमली शुरू नहीं कर पाते हैं उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी जो हम आगे समझेंगे, क्योंकि जो जल्दी शुरू करते हैं उनके लिए काफी इजी होता है अचीव करना और जो बाद में शुरू करते हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है लेकिन मुश्किल है, तो वो हम आगे समझेंगे बाय वे ऑफ टेबल के अगर हमने लेट शुरू किया और जल्दी शुरू किया उसमें क्या अंतर है। स्टेप नंबर 2, सेट अ ड्यूरेशन ऑफ गोल, जैसे कि हमें हमारे गोल्स को डिवाइड करना है अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो 1 से 3 साल के अंदर जो हमें पूरे करने हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे, मीडियम टर्म मतलब 3 से 5 साल के बीच में जो भी पूरे करने हैं वो मीडियम टर्म होंगे, और मोर देन 5 इयर्स को हम लॉन्ग टर्म होराइजन में रखेंगे। इसका महत्व क्या है, क्योंकि क्या होता है हमने देखा है जैसे हमारे फादर्स है या पहले क्या होता था इतना अवेयरनेस नहीं था तो हम शॉर्ट टर्म मनी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देते थे और लॉन्ग टर्म मनी को शॉर्ट टर्म में कर देते या अभी भी करते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, हम कभी कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे हमें पता है कि उसका यील्ड होता है, इट्स अ डेट इन्वेस्टमेंट, डेट मतलब FD की तरह होता है जहाँ पे वो हमें श्योरिटी ज्यादा होती है और उसका इन्वेस्टमेंट का रेट होता है अराउंड 4-5% और वो लंबी अवधि के लिए होता है, क्योंकि जनरली हम इंश्योरेंस या कुछ ऐसा प्रोडक्ट इन्वेस्ट करते हैं। मैं अभी इंश्योरेंस की प्योर इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट या
हम एफडी की भी बात करेंगे, तो एफडी में हम सालों साल पैसा रखते हैं, कभी भी उस इमरजेंसी रहेगी तो हम निकालते हैं, अदरवाइज वो सालों साल पड़ा रहता है, वो ग्रो करता है फिक्स इंटरेस्ट रेट से जो लंबी अवधि का होता है। तो लंबी अवधि में क्या होता है, जो आपका डेट होता है वो कम इंटरेस्ट रेट से उसे कंपाउंडिंग करता है। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो लंबी अवधि के पैसे है उसे आप डेट में इन्वेस्ट ना करें, उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उसका कंपाउंडिंग ज्यादा हो, मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा हमारा रिटर्न बने। तो जैसे कि शेयर से या स्टॉक से, लेकिन उसे समझ के करना जो हम आगे समझेंगे। और जो शॉर्ट टर्म मनी है, जैसे कि हमारे पास ऐसा पैसा है कि जो हमें पता है कि हमें एक साल के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसे हम ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक एफडी है या लिक्विड फंड है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। और मीडियम टर्म को हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे जैसे रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छे से मिले। सो इसका फायदा क्या होता है, और जनरली मिस्टेक क्या हो जाती है, कभी कभी हमारे पास ऐसा सरप्लस फंड रहता है और हमें ऐसा मार्केट अच्छा चल रहा है, तो हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है यार पैसे पड़े तो चलो मार्केट में लगा देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म फंड को जब हम मार्केट में लगाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि मार्केट अनसर्टेन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ता है तभी बहुत ही बढ़ता है, और कभी गिरना स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूसली गिरता है, हमें वापिस मार्केट में बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो उसे लॉन्ग टर्म में हम उसे रिकवर कर पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म मनी को अगर हमने शेयर बाजार में लगा दिया या कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहां से वो पैसे हमें आने नहीं है, तो वो बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। सो हमें सबसे बड़ा एक पेपर पे एकदम जॉट डाउन कर देना है कि भाई शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, अकॉर्डिंगली हमें इसका इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो आप कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट से कभी भी फेल नहीं हो सकते, आपके गोल से कभी भी आप चूक नहीं सकते। स्टेप थ्री, स्टेप्स टू अचीविंग ए गोल्स, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म मनी को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म मनी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, और थर्ड पॉइंट है वो सबसे क्रिटिकल है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना हमने डिले किया उसकी एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डिले, जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या होता है। ये हमारा एक एग्जांपल है जहां पे मिस्टर ए बी एंड सी, जो मिस्टर ए की एज है 30, मिस्टर बी की 40 और मिस्टर सी की 50, सबकी रिटायरमेंट एज हमने फिक्स पकड़ी है 60 की एज है। सो टाइम टू रिटायरमेंट, मतलब उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का एक होराइजन है 30 ईयर्स फॉर द ए, 20 ईयर्स फॉर द बी एंड 10 ईयर्स फॉर द सी। और एक हमने कॉर्पस सोचा है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस चाहिए, ये जस्ट फॉर द एग्जांपल है, जनरली ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 25 लाख है, किसी के लिए 1 करोड़ है, किसी के लिए 25 करोड़ है। तो ये एग्जांपल के समझते हैं कि 25 लाख अगर समझो तीनों की रिक्वायरमेंट और रेट ऑफ रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है 10% बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो एनुअल इन्वेस्टमेंट अगर हमें एनुअली हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 13,816 फॉर ए, 39,681 फॉर मिस्टर बी एंड 1,42,603 फॉर मिस्टर सी। और अगर मंथली आपको इन्वेस्ट करना है तो ये हो जाएगा 1,097 फॉर मिस्टर ए, 3,265 फॉर मिस्टर बी एंड 12,103 फॉर मिस्टर सी। सो आप यहाँ से देख आप समझ सकते हैं कि अगर जो बंदा 30 साल का है जिसने शुरू से अपना फाइनेंशियल प्लान के लिए शुरू किया तो उसे सिर्फ 1000 रुपीज में वो अपना फाइनेंशियल प्लान अचीव कर सकता है जो 25 लाख का है। मिस्टर बी को वही 3 गुना लगेगा, मोर देन 3 टाइम्स, और मिस्टर सी को मोर देन 12 टाइम्स। सो कॉस्ट ऑफ डिले बहुत बहुत ही बड़ा हो सकता है। सो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें हमारे फाइनेंशियल प्लान पे वर्क करना जरूरी है। और ये एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास समझो कुछ फंड अवेलेबल है तो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो या तो जीरो इंटरेस्ट होता है या 3% का इंटरेस्ट होता है या मैक्सिमम 5-6% का इंटरेस्ट हमें यील्ड करता है। और जनरली इन्फ्लेशन का रेट हमने देखा गया है अभी तो जो फिगर्स आते हैं वो 4% होता है, लेकिन इससे एग्री करने वाले काफी कम होंगे। सो इन्फ्लेशन इज नियरली अबाउट 5-7%। सो समझो हम एग्जाम्पल लेते हैं हायर एंड पे की, जैसे इन्फ्लेशन 7% है पर हमने वो पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किए तो क्या होता है कि 1,00,000 रुपए अगर हमने 5 साल तक अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप ये लास्ट टेबल में देख सकते हैं कि 1,00,000 की वैल्यू हो जाएगी 71,299। अमाउंट 1,00,000 ही रहेगा लेकिन उसकी जो बाइंग वैल्यू है
वो 71,299 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन से जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है उसे हम जो आज 1 लाख में खरीद सकते हैं वो हम 71,000 का ही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। वैसे ही अगर समझो आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपने 4% 3% के इंटरेस्ट मतलब सेविंग में ही पैसे रखे हैं सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कमा नहीं रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर 7% इन्फ्लेशन रेट है और 3% आप कमा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका 4% का यू आर हैविंग अ कॉस्ट, जो अप्रोक्सीमेटली आप वर्किंग करते हो तो थोड़ा यहाँ से वहां होता है, लेकिन 4% जो 7 - 3%, तो अगर वो 25 साल आपने सेविंग अकाउंट में 20 साल सेविंग अकाउंट में ही अगर आपके पैसे पड़े हैं तो वो ग्रो होने की बजाय वो रिड्यूस हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे। सो अमाउंट को इन्वेस्ट करना बहुत 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 जरूरी है। सेविंग में उतना ही रखना है जो हमारे हमें पता है कि वो 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम 3 मंथ्स का जो हमारा रिक्वायरमेंट हो, जो हम इमरजेंसी में निकाल सके या उसे यूज कर सके। बाकी का सारा पैसा आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल के हिसाब से इन्वेस्ट होना और होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका मनी पावर कम हो जाता है। सो ये बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे हमने देखा है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी हमारे क्लाइंट्स के हमारे पास जब भी अकाउंट्स आते हैं बनाने के लिए, तभी हमने देखा है कि काफी बड़ा अमाउंट सेविंग में सालों साल तक महीनों तक सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, जहाँ पे उसका जो इनकम होता है कम होता है और इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो धीरे 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 ये जो अमाउंट कम होता है उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा हमें आगे चुकाना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें एक्सेल पे कुछ भी फिगर्स को डाले तो हमें आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा आपका नुकसान करते हो। फ्रेंड्स मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक से मैं होप मैं ठीक से आपको समझा पा रहा हूँ। सो अगर मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, ताकि मुझे ऐसा पता चले कि हाँ ठीक से ये सेशन जा रहा है। फ्रेंड्स आइडिया नंबर 4 की बात करते हैं, प्रोटेक्ट विद इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस है जो वो सबसे फर्स्ट, जैसे कि इमरजेंसी फंड और बजट के बाद का सबसे तीसरा पॉइंट अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने इसको 4th इसलिए रखा है क्योंकि मैं पहले गोल्स को कवर करना चाहता था, क्योंकि गोल्स के जो हमने गोल सोचे लाइफ में, जैसे कि हमारा चाइल्ड का एजुकेशन, मैरिज, हमें हमारा लाइफ पार्टनर है उसका वेल बीइंग के लिए हमें आगे समझो घूमने जाना है, या हमने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी सोचा है कि हमें एक पर्पस बनाना है, तो वो पर्पस अगर हम कमा रहे हैं तो हम उसे बना सकते हैं। लेकिन अगर हम समझो कुछ भी कारण ऐसा कारण हुए कि हमारे एब्सेंस में वो कौन पूरा कर सकता है, तो एक ही चीज है इनकम रिप्लेसमेंट। तो इनकम रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है, बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ हेजिंग प्रोडक्ट है। जनरली वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा और पैसे मिलेंगे हमारे फैमिली को, वो उसका इंश्योरेंस का मोटिव यही है। इंश्योरेंस का एक ही मोटिव है हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क। तो हमने जो यहाँ पे इंश्योरेंस ये आप स्लाइड में देख पा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, होम, ये सारे एक रिस्क के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस कवर होता है। जैसे कि कार का इंश्योरेंस की हम जस्ट बात करते हैं सिंपली कि कार का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्या समझो हमने कहीं पे हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो जो एक्सपेंस मीट करने के लिए हमने वो इंश्योरेंस निकाला। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, कि हमें फ्यूचर में कुछ भी खर्चा होगा उसको हमें इम्पेक्ट ना, उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, या हम इसी तरह इन्वेस्ट करते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बाकी सब इंश्योरेंस का है, कि हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क। तो रिस्क क्या है, कि समझो आज मैं नहीं हूं, मैंने प्लान किया है मेरे फैमिली के लिए कि मुझे आज 50,000 रुपया सेव करूंगा मैं, तो मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स को मैं पूरा कर सकता हूं। लेकिन वो कभी पूरा होगा, जब भी मैं अर्न करूंगा और मैं रेगुलरली उसको इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन समझो मैं नहीं हूं तो वो कैसे पूरा होगा। या समझो मैंने हाउसिंग लोन लिया है आज से 25 साल का ईएमआई रख के, तो मैं आज कमा रहा हूं तो उससे मैं भर रहा हूं, लेकिन अगर समझो मैं कहीं कुछ कारणवश मैं नहीं हूं तो कैसे मैं भर पाऊंगा। सो ये सारी चीजों को, खर्चे, घर के खर्चे के अलावा आपका जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट है और आपका फ्यूचर प्लानिंग का इंस्टॉलमेंट है, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो तीनों को जोड़ के हम एक वर्किंग करेंगे और उससे आपका इंश्योरेंस का अमाउंट निकालेंगे। उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो वो हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। सो
मैं ये दो तीन स्लाइड स्किप करता हूँ क्योंकि मैंने मोटा मोटा समझा दिया है। सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस हर एक को रिक्वायर नहीं होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग ये मिस आउट कर जाते हैं कि इंश्योरेंस सबको जरूरत है, लेकिन इंश्योरेंस उसी को जरूरत है जिसको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब उसका हम कैलकुलेशन करके डिराइव करेंगे। समझो आपके पास उतना वेल्थ है कि आप आराम से आपके एब्सेंस में आपका फैमिली सर्वाइव कर सकता है, सारे फ्यूचर गोल्स सब कुछ, तो आपको इंश्योरेंस की कुछ भी जरूरत नहीं, तो व्हाई टू वेस्ट मनी इन इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेज पे हो तो आपको इंश्योरेंस की बहुत ही जरूरत है, तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बंदा अच्छा सा कमा रहा है लेकिन उस पर कोई फैमिली डिपेंडेंट ही नहीं है तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा भले ठीक ठाक कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसकी फैमिली सर्वाइव करती, मतलब डिपेंडेंट है, तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि HLV करके ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसका एक कैलकुलेशन है जो हम सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सिंपल टर्म है, और डिटेल में हम लोग बाद में एक्सेल में प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज सपोज 10,000, हिज पर्सनल एक्सपेंस वी विल डिडक्ट 2,000। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है कैलकुलेशन समझने के लिए। जो मंथली इनकम है जो उसकी फैमिली को जा रही है 8,000, जिसपे उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, सो एनुअल एक्सपेंस कम्स टू 96,000, और आज का इंटरेस्ट रेट है 6%, सो सिंपली इफ यू डिवाइड बाय 6%, सो फिगर्स जो आता है वो है 16 लाख। 16 लाख मतलब उसको 16 लाख की मिनिमम इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। ये एकदम बेस कैलकुलेशन है जिसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के उसे हम कैसे कर सकते हैं। और अभी आता है आइडिया नंबर 5, मैनेज डेट्स एंड ट्रैक रीपेमेंट्स। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत समय हमने देखा है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने IT फाइल्स में देखा है कि कभी कभी हमें लोन्स मिलती नहीं है इस वजह से, या हमने IT प्रॉपरली नहीं बनाया इस वजह से, पता नहीं, लेकिन हम हायर इंटरेस्ट लोन्स में चले जाते हैं जहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है आपके फाइनेंसिस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सो आपको जॉट डाउन करना है कि आपके डेट्स क्या क्या है, जिनके डेट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके डेट्स नहीं है वो तो एंजॉय कर ही रहे अपने फाइनेंसर को और फाइनेंस को और अपने लाइफ को। सो यहाँ पे जिनके डेट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको एक पेपर पे लिखना है कि आपके डेट्स क्या है, आपका पीरियड क्या है, उसका EMI क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है। फिर उससे आपका वर्किंग करके आप समझ सकते हैं कि कौन से में हायर इंटरेस्ट जो डेट से उसको मैं पहले उसको रीपेमेंट कर दूं, ताकि उसका इम्पैक्ट मुझे आगे आप मेरे फाइनेंसिस पे ना है। इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है अगर आप कैलकुलेट करें एक्सेल में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो कभी कभी हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो हमें पिंच नहीं करता है। सो हमें पिंच नहीं करता उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका इम्पैक्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट सर्टेनली है और बहुत बड़ा होता है। सो हो सके उतना लोअर इंटरेस्ट रेट में हमें अपने डेट को रखना है, ताकि इसका फाइनेंस पे हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट ना। सो जैसे मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स हैं, सो आप आगे भी PPT में, मतलब मैं उसे जब कॉपी दूंगा तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। आइडिया नंबर 6, प्लान फॉर टैक्सेस। अभी ये भी इतना क्रिटिकल पॉइंट है कि जो जिसे हम जनरली कुछ जो सैलरीड एम्प्लॉई हो उसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जैसे बिजनेसमैन है और कुछ हमने देखे हैं जैसे हमारे क्लाइंट्स वो रिलीजियसली उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या फॉलो नहीं करते, एक तो आपका टैक्स सेविंग जो है ना वो जनरली हैबिट होती है हमारी कि एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है कि जब भी हमें सबमिशन करना है या IT फाइल करने से मतलब ईयर एंडिंग के पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो माइंड में आता है हम कर देते हैं कि भाई क्या अवेलेबल है अभी, क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, PPF में डालना है तो PPF में चेक कर देता हूँ, कोई LIC वाले ने फोन किया तो इंश्योरेंस ले लूंगा या कुछ भी कर दूंगा ऐसा, जो मतलब मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ। सो सबसे बड़ा पॉइंट है कि टैक्स प्लानिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मंथली भी कर सकते हो, आपको क्यों ईयरली आपको राह देखने की जरूरत है साल के आखिर में। आप प्लान करो प्रॉपरली, आपके जो भी आपका आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट उसे अप्रोच करके उसको स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही उसे शुरू करें, ताकि आप कुछ भी उसे चेंज करना है तो कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, अच्छी तरह उसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू क्लेम एज मेनी एज पॉसिबल डिडक्शंस अवेलेबल फॉर द टैक्स। उससे क्या फायदा होता है, जो कुछ डिडक्शन ऐसे होते हैं जो आपका एंड ऑफ द ईयर के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब उसका आप कुछ भी बेनिफिट ले नहीं सकते हो।
सो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका उसका फायदा शायद हमें 10% हो या 20% हो या 30%। 30% वाले को तो उसे लेना ही लेना है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 10% वाले से भी अगर उसका फायदा ले सके और आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो आपको वो करना ही चाहिए, उसमें आपको सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट सरप्लस इन्वेस्टेबल अमाउंट होना जरूरी है इसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग इज मस्ट, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करना वो मस्ट है। सो और इन्वेस्टमेंट ठीक तरह से करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो टैक्स सेविंग के बारे में आप आपके कंसल्टेंट से और भी इसकी राय ले सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया नंबर 7 जो सबसे आखिर में है, अभी आइडिया नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट है जो जनरली 100 में से एक या दो लोग ही करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये आज के दौर में जैसे पेंडेमिक के बाद तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमने आजू बाजू देखा है कि कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं था। सो एस्टेट प्लानिंग ऐसा पॉइंट है जिसे हम डिटेल में जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में इतना ही समझाऊंगा कि सबसे पहला पॉइंट होता है उसका विल, देन पावर ऑफ अटॉर्नी। ये दो चीज ऐसी है जो आपको होनी, जैसे हम समझो हम कहीं घूमने जाते हैं बराबर, तो फुल फैमिली साथ में जाते हैं, तो घर में कोई ऐसा है जिनके नाम पे हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, ताकि हम समझो 10-15 दिन बाहर जाते हैं, कुछ वहां पे ऐसा हो जाता है जो हमारे बस में नहीं है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी से वो बाकी के जो हमारे रिलेटेड काम होते हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। विल ऐसी चीज है जो हमारे फैमिली मेंबर के नाम पे होना चाहिए, जिसे हमें हमारा वेल्थ को पास ऑन करना है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने वेल्थ तो बहुत ही क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने उसका फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं रखा कि मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मैंने सोचा तो बहुत था कि हाँ मुझे ये ट्रस्ट को इतना देना है, मुझे फलाना फलाना अच्छा सा काम करना है, मेरे बच्चों को इतना देना है, मुझे इसे इतना देना है, लेकिन अगर हमने विल नहीं बनाया है, सिर्फ हमने हमने सोच के रखा है, तो वहां का वहां ही धरा का धरा रह जाता है, और जो जिसको जाना है वो जाता है, लेकिन हमें जो करना है वो हम नहीं कर पाते। सो विल होना बहुत ही जरूरी है, और प्रोबेट उसका हिस्सा है। ट्रस्ट में प्राइवेट ट्रस्ट करके एक कॉन्सेप्ट रहता है जो काफी डीप सब्जेक्ट है, लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट का बेनिफिट वही होता है कि जैसे कि हमारे माइनर माइनर्स बच्चे रहेंगे, जब भी जो हमारे बच्चे माइनर है तब तक उसका काफी एडवांटेज रहता है कि जैसे कि हमें कुछ हो जाए तो वो जो हमारा वेल्थ है वो प्रॉपरली उसे हमें पास ऑन हो, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमने हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, वो बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन वो जो अगर आपने प्राइवेट ट्रस्ट कर क्रिएट करके उसमें अगर उसका प्रावधान किया है तो वो अच्छे से उसे आप ट्रांसफर। लेकिन ये सब कभी कभी जरूरत होती है ट्रस्ट की, प्राइवेट ट्रस्ट की, जहां पे आपका ह्यूज वेल्थ हो और उसे आपको प्रॉपरली पास ऑन करना है। एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्ट यूज, मतलब आपको पूरा आपको आपका सब कुछ वो नोट डाउन होना चाहिए कि आगे जाके क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली यू टू क्रिएट योर एस्टेट प्लान। फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में डिस्कस करना, आइडियाज तो हमारे हो गए 7 आइडियाज, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बात की, कुछ परसेंटेज की भी बात की कि हमारा इन्वेस्टमेंट 5% होना चाहिए, 4% होना चाहिए, या फिक्स में है तो समझो जैसे पीपीएफ है तो 7 से 7.75% आज है, पहले 8% था, सो हम 8% एक कंसीडर पकड़ के चलते हैं। सो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसे कैसे आगे बढ़ाता है, जैसे कि हमने अगर उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया तो उसको कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम आज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो काफी मैंने ज्यादा बड़े फिगर्स रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, हम इससे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम जो भी एक्सेल में मेरे वर्किंग से हम देखेंगे। जैसे हम 8% पे ही कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बाकी के फिगर्स अभी हमें इल्यूजनरी लगेगी कि ये सब क्या है, ये इतने फिगर्स थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल कर सकते हैं या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम 8% पे कंसंट्रेट करते हैं जो क्वाइट अचीवेबल है। हमें सबको पता है कि 8% आज इंटरेस्ट रेट भले आज 6% है, लेकिन 8% हमने देखा है कि जो हम अचीव कर सकते हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या करता है, जो 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो अगर आपने उसको
15 साल या 30 साल आप देखोगे तो 15 साल में आप 3,48,000 बनाओगे 8% से, लेकिन वही 30 साल में आप जाओगे तो 15 लाख है, इट इज अ 15 लाख, सो इट इज अ मोर देन 5 टाइम्स। बल्कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी ईयर 12,000 और सो 30 इयर्स के लिए 3,60,000, तो 3,60,000 कम्स टू 15 लाख। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो फिगर उतना ही बड़ा होता जाता है। तो अगर वो चेंज होता है, जैसे कि अगर हमने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जो 10% है, तो ये सीधा 15 लाख का हो जाएगा 22,79,325। ठीक है, बाकी के फिगर्स की हम आगे बात करेंगे जब ही हम एक्सेल में वर्किंग करेंगे। अभी हम काफी हमने लाइफ गोल्स की बात की, उसमें से वन ऑफ द लाइफ गोल्स, इंपोर्टेंट लाइफ गोल्स है रिटायरमेंट प्लानिंग, और बाकी के गोल्स तो स्ट्रेट अवे होते हैं। जैसे स्ट्रेट अवे मतलब कैसा होता है, जैसे हमें पता है कि हमें 3 साल के बाद या 5 साल के बाद स्कूल का डोनेशन देना है या फीस भरनी है, तो हमें पता है वो बहुत डेफिनेट है, मतलब मेजरेबल है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग मेजरेबल नहीं है, सो हम जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो तो बहुत इजी, हमें आराम से पेपर पे जॉट डाउन कर लेंगे, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो इजीली कैलकुलेट नहीं होती है। तो हम इसे समझेंगे पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये काफी इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी रिटायर हो, लेकिन किसी को नहीं पता है कि कैसे होंगे, या किसी ने वो प्लान नहीं किया कि कैसे हम करेंगे। क्योंकि सबको, आज किसी को भी आप पूछो, 60 साल, किसी को 60 साल तक किसी को भी वर्क नहीं करना है, वो पक्का है। आप किसी को भी पूछ लो, आजू बाजू किसी को। लेकिन हाँ, ये भी एक सर्टन है कि अगर हमने प्लान नहीं किया तो 70 साल तक भी आपको काम करना पड़ेगा, या जब तक जियोगे तब तक काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट का कोई भी एक ईयर आप चूज करते हो और उसे अचीव करना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। सो व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, आप अभी कोरोना का पीरियड छोड़ दो, लेकिन अदरवाइज जो भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ रही है ड्यू टू द मेडिकल एडवांसमेंट, जो 75 to 85 ईयर्स तक भी पहुंच जाएगी आगे के कुछ सालों में। आज तो 75 ईयर्स तो बहुत कॉमन है, आप आजू बाजू आप देखोगे तो बहुत कॉमन है। इन्फ्लेशन जो है वो भी, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ फेज में है, तो ये आगे के शायद 10-20 साल काफी ज्यादा ही रहेंगे। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो 4%, 4% तक उसे रेस्ट्रिक्ट करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ फेज में होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट अराउंड अस। सो वो 5 से 7% रहेगा, और कुछ कुछ जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है वहां पे तो 10-15% भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बाहर घूमने जाना है या कुछ बड़ा हमें करना है, तो उसके लिए वो ज्यादा रहता है। देन ये थर्ड पॉइंट है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसा मैसेज आया रहेगा कि आपके अगर एक बच्चा है, आपको समझो, तो आपको और एक समझ के चलना है कि इन्वेस्टमेंट इज योर सेकेंड चाइल्ड। अगर आपका आपके दो बच्चे हैं, तो आपको और एक बच्चा समझना है कि आपका एक थर्ड चाइल्ड है जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप जो भी खर्चा करते हो बच्चों पे वो आपको एक थर्ड चाइल्ड पे खर्चा करना है, ताकि उसका बेनिफिट, मतलब बेनिफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि आज जो भी बच्चे सेटल अब्रॉड होते हैं, जो अवे फ्रॉम द होम होते हैं, सो एल्डरली डज नॉट वॉन्ट टू डू नॉट वॉन्ट टू डिपेंडेंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रेन एनी मोर। हमें आज सब सब कोई भी, आप जो भी यंग कपल है उसे पूछ लीजिए, वो वही चाहेंगे कि हमें हमारे बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हम हमारा खुद का लाइफ टाइम कुछ ऐसा प्रोविजन करें ताकि हम आराम से इजीली सर्वाइव कर सकें, मतलब हमें हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। भले हमें पता है कि हमारे बच्चे हैं जो हमारे हमारा ध्यान रखेंगे या हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमें एक सोच रखते हैं कि हमें ऐसा प्रोविजन करके रखना है। रिटायरमेंट प्लानिंग का भी एक एग्जाम्पल है, जो ये एक एग्जाम्पल है, मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि हमने काफी अच्छा एक एक्सेल का कैलकुलेटर बनाया है जहाँ पे हम सारे प्लानिंग को वर्किंग करके देखेंगे लाइव। सो कैसे करेंगे वो हम आगे उसे देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम रिटायरमेंट, ये दो स्लाइड ऐसी है जो आप उसको बाद में भी रिफर कर सकते हो, कि सिंपल स्टेप्स टू बी वेल्थ क्रिएटर, मतलब हम
क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से एक वेल्थ, क्योंकि एक अच्छा सा कॉर्पस बनाना अलग बात होती है और एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करना अलग बात होती है, तो उसके लिए और दिस रिफरेंस रिफरेंस फ्रॉम दिस सिक्स मिस्टेक्स, ये जो सिक्स मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं बाजार में या इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आज बहुत ही ट्रू है, क्योंकि आज हमें पता है कि आज जो जिस हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन फील्स के उससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाजार का, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कभी 6 महीना भी रह सकता है, कभी 1 साल भी रह सकता है, लेकिन मार्केट का नेचर ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली एक ही तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं रहता है, वो ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है और नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, सो इट इज अप एंड डाउन साइकिल। सो इसके लिए ये जो पॉइंट्स है उसे समझना बहुत ही जरूरी है। सो अभी हमारे पास 20 मिनट है, सो मैं चाहूंगा कि हम प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे जो हमारे रिटायरमेंट प्लान का है। सो आई वॉन्ट 1 पर्सन एज अ वॉलेंटियर जिनका मैं प्रैक्टिकल रिटायरमेंट प्लान कर सकूं। सो मुझे कोई भी एक यहाँ से आप में से एक कोई भी ऐसा बंदा चाहिए जो हम रिटायरमेंट प्लान उनका प्रैक्टिकली कर सके। अपना आपको इनम्यूट करते भी आप बता सकते हो। एक मैं चाहूंगा सर कि मेरा हो जाए, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू इन्वेस्ट इन द रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान में मैं जा रहा था, मोस्ट प्रोबली कल मेरे को लेना है वो, तो ओके इफ यू कैन हेल्प मी आउट ओके आशीष दैट। जी करेक्ट या यस 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 सर। ओके ओके फाइन फाइन फाइन। सो लेट मी शेयर माय डेस्कटॉप विथ यू। ओके सबसे पहले हम कैलकुलेटर में स्टार्ट करके ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्योंकि ये हमारा पहला पॉइंट था। सो मैंने जैसे बात की थी ह्यूमन लाइफ वैल्यू की, सो आप बताना चाहेंगे कि आपका करंट मंथली एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स योर फैमिली कमिटमेंट कितना है? ठीक सर रफली 40,000 के आसपास मंथली एक्सपेंडिचर आता है। है ठीक है। देन ईएमआई इफ यू आर पेइंग एनीथिंग? लोन्स में सर अभी मेरा होम लोन चल रहा था, बट आई एम क्लोजिंग इट, तो ओके अभी हम इसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में आप कुछ प्लान कर रहे हो जैसे बड़ा घर लेना या इतना लोन लेना? एब्सोल्युटली सर, से आफ्टर 4 to 5 years आई एम प्लानिंग फॉर अ हाउस। ओके देन एट दैट टाइम यू कैन रिवाइज और स्ट्रेट अवे यू कैन मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि आज ही आप उसको बड़ा ले लें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कम एज में आपको इंश्योरेंस कम कॉस्ट में मिल जाता है, लेकिन अगर आपने आगे जाके लिया तो दैट यू कैन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई विल एडवाइज कि आज ही आप उसको कंसिडर कर लो, ताकि क्या होता है कि आपको कम कॉस्ट में इंश्योरेंस मिल जाए। राइट सर, राइट। करंटली मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर गोल्स, अभी सर मेरी कुछ पॉलिसीज एंड ऑल ये सारी चल रही हैं, तो रफली उस पॉलिसीज में मेरा 1 लाख रुपए ईयरली जाता है, ओके और एक टर्म प्लान मैंने ले रखा है फॉर 1 करोड़ रुपीज, जिसमें कि मेरा अराउंड 60,000 रुपीज जाता है एनुअल। ओके अच्छा, तो मैं मोटा मोटा आज लेकिन हम एक पकड़ के चलते हैं कि आपका जो टोटल मंथली आपका फ्यूचर गोल्स, आई डोंट नो वेदर यू हैव कैलकुलेटेड और नॉट, लेकिन मंथली आपने एक सोचा होगा मैं इतना सेविंग करूंगा ताकि मुझे आगे से कुछ रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट हो सके। अगर नहीं हो सके तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो हम रफली कुछ फिगर्स ले लेते हैं, आप जो बताएं वो हम ले लेते हैं महीने का। महीने का सेविंग का सर, अगर मैं सेविंग की बात करूं तो रफली मैं ये मान के चलता हूं कि अराउंड 20,000 भी मेरी सेविंग होती है पर मंथ, तो दैट इज ओके। ठीक बाकी है हाँ ठीक है ठीक है। सो ईयरली इट कम्स कम्स टू वो हो जाता है 7,20,000, जैसे 60,000 इनका अभी कमिटमेंट है मंथली, 7,20,000, तो उसे अगर 6% से अगर आप डिवाइड करें, 6% मैंने क्यों पकड़ा है वो इंटरेस्ट रेट पकड़ेंगे, अगर इसे आप 5% कर लेते तो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसे मिलने के बाद आप वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे कि जो आपको ईयरली इनकम देते रहे, लाइक अ पेंशन आपके फैमिली को, मींस आपका फैमिली इससे सरवाइव करता है। सो इट कम्स टू 1 करोड़ 44 लाख। अगर
अगर 6% पकड़ते हो तो 1 करोड़ 20 लाख, अगर 8% पकड़ते हो तो इट कम्स टू 90 लाख. सो अप्रोक्सीमेटली आप एक फिगर पकड़ के चलिए, 1 करोड़ इज योर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, करेक्ट. अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये भी आता है कि इंश्योरेंस कब तक का होना चाहिए. तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वी सजेस्ट कि आपका इंश्योरेंस तब तक का होना चाहिए जब तक आप अर्न करते हो. जैसे आपने सोचा मेरी रिटायरमेंट लाइफ 60 तक होगी तो आप 60 तक ही इंश्योरेंस लेंगे. लेकिन समझो आप सोचते हो कि नहीं शायद मुझे अप टू 70 तक भी शायद मुझे अर्न करना पड़े तो आप 70 तक की रखें. मतलब आपकी फैमिली जब तक डिपेंडेंट है तब तक आपको वो होराइजन पकड़ के आपको इंश्योरेंस का तब तक का प्लान लेना है. ठीक है, हम ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा इंश्योरेंस आपका ये होना चाहिए. अभी हम आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पे. सो आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस. सो आपकी करंट एज क्या है? करंट एज सर आई विल बी कंप्लीटिंग 48 ऑन 15th ऑगस्ट. 48 मंथ के ना. ओके, और व्हाट इज योर रिटायरमेंट प्लान? 60 सर. Okay, so time to retirement is 12 years. Then we have to give here the death age. So normally I keep higher because generally हम सोचते हैं कि नहीं भाई इतना हम आज के जमाने में ये नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, ये होता है. लेकिन financial planning में इसको हमें conservative thinking करना है. Conservative ये होता है कि हम ज्यादा जी गए तो क्या. So generally I keep is a higher death age. So अगर आपको इससे भी ज्यादा बढ़ाने का मुझे बता दीजिए. लेकिन 80-85 ओके. सो करंटली इन्फ्लेशन में 6% पकड़ता हूँ, शायद इससे कम भी हो सके, लेकिन हम एक अच्छे से रिटायरमेंट प्लान करें. और ये 12 साल लॉन्ग टर्म है तो हम इसे इंटरेस्ट रेट को या तो 12% पकड़ सकते हैं या 15%. सो फिलहाल मैं कंजर्वेटिव जाता हूँ 12% से. ठीक है, और करंट पोस्ट रिटायरमेंट आपको कितना होगा? मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें 6% इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जैसे कि इक्विटी है, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहाँ पे रिस्क हो. तो हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रिस्क कम हो या जीरो हो, ताकि हमें रेगुलर इनकम आती रहे. तो अभी मैं इसे 6% पकड़ता हूँ. ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया, ये किया, लेकिन ये हम समझने के लिए करते हैं. और हमें ये करंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपका 40,000 है वो मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ. जो आपको आज के दिन में 40,000 है, After 12 years, it will become a 80,488, considering the 6% inflation. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? Absolutely, absolutely. Yeah. So annual expenditure comes to 9,65,854. और हमने यहाँ पे other expenses जैसे contingency जैसा रखा है 10% of this corpus amount. So that comes to 10,62,440. So एक upfront calculation करें ना, तो जैसे 10,62,440 को अगर हम डिवाइड कर दे विद 6% पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न, तो ये होता है 1,77,7329. सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है, दैट इज इंग्लिश, लेकिन आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल. सो ये कॉर्पस एक रफ फिगर है, हम आगे डिटेल में बात करेंगे. अच्छा, चाइल्ड की कुछ डिटेल्स दे पाएंगे जैसे कि उनका एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है? एक बेटी 11th में है. तो एज बताइए. एज इज 15 इयर्स. ओके, एंड द सेकंड वन इज 7 इयर्स, शी इज आल्सो डॉटर. ओके ओके फाइन. सो ये हमने एक ऐसा टेबल बनाया है जहाँ पे हम एजुकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके आफ्टर 10, देन आफ्टर 12, एंड देन हायर एजुकेशन. And means up to between 12 to 15, and then for the higher education. So यहाँ पे और एक marriage का हमने रखा है. So वैसे दोनों child का एक ये हमने detail रखा है जो ये आज का expenditure है. जैसे कि आज कोई भी बच्चा 10th pass करता है और उसे जैसे science में जाना है तो कितना cost होगा या commerce में जाना है. So सबका अलग अलग होता है, लेकिन आज एक figure आप बताए तो हम यहाँ पे डालते जाएंगे ताकि हम एक figure पे arrive करें. अभी सर एक्सपेंसेस करंट इसमें पर मंथ एक्सपेंसेस इनके स्कूलिंग से नॉल के नहीं, ईयरली आप एक मोटा मोटा बता दीजिए ताकि आफ्टर 10th आपने क्या प्लान किया है कि शायद मुझे इतना खर्चा आ सकता है, आफ्टर 12th इतना आ सकता है,
एक अप्रोक्सीमेटली जाते हैं, फिर डिटेल में आप सोचिएगा आप बैठ के, क्योंकि अगर आपको अच्छा सा प्लान बनाए तो आपको सोच के एक सब फिगर्स निकालने पड़ेंगे, और या तो ये फिगर के साथ भी हम जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे, या ज्यादा है तो हम कम कर देंगे। नहीं ठीक है, 5 लाख इज ओके एंड फॉर द सेकंड चाइल्ड 5 लाख ठीक है, इस फिगर के साथ भी चल सकते हैं सर। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा टाइम भी 10 लाख मेबी 10 लाख लाइक दैट। और मैरिज के लिए आई डोंट नो, यू हैव डॉटर सो यू माइट स्पेंड मोर आल्सो, और यू माइट स्पेंड डेज आल्सो। सो करंटली मैंने 10 लाख लिखा है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका प्रोविजन ज्यादातर यू नो इंडिया में करके रखते हैं या प्लान्ड होता है। सो लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 10 लाख पकड़ा है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे जो बाजू का कॉलम है ना, यहाँ पे हमने फॉर्मूला से उसे फ्यूचर वैल्यू पे कन्वर्ट किया है, लेकिन ये सारे जो वैल्यूज है ना, ये कैश फ्लो में आप देख पाएंगे। जैसे कि आपका अभी कुछ कॉर्पस है एट द दिस स्टेज, डू यू हैव एनी 10 लाख 20 लाख 30 लाख कॉर्पस, सो ओपनिंग फंड जिसमें हम डाल सके कि जीरो पकड़े? कॉर्पस का थोड़ा सा मतलब समझाएंगे सर? जैसे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हो। हाँ, इनका चाइल्ड लाइफ पॉलिसी ले रखी है, विच एट द एज ऑफ 18 शी विल बी गेटिंग अराउंड 10 लाख, और एक और इनकी बड़ी बेटी की पॉलिसी ले रखी है, विच एट द एज ऑफ 23 शी विल बी गेटिंग अनदर 10 लाख। ओके ठीक है, मैं एक मोटा मोटा यहाँ पे ना 10 लाख अभी पकड़ता हूँ, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है, तो 10 लाख पकड़ में आगे वर्किंग करता हूँ। और एक छोटी बेटी की ले रखी है, सुकन्या स्कीम है फॉर 6 इयर्स, जो कि 8,500 रुपए मंथली में देता हूँ। तो रफली 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे इनके 6 साल में। और वो जनरली जो इंश्योरेंस अमाउंट है ना, वो काफी आगे आगे का वो रहता है, और उसके हम डिटेल में पर्सनली बात करेंगे 1-to-1 के, उसका क्या बेनिफिट है और क्या नेगेटिव है। सो लेकिन यहाँ पे मैं 10 लाख पकड़ के आज वर्किंग कम्प्लीट करना चाहता हूँ, ताकि ये मैंने जो कैश फ्लो बनाया है वो एज वाइज है, जहाँ पे हर एक्सपेंस जो हमने आगे कैलकुलेट किए वो हमारे कैश फ्लो में माइनस हो रहे हैं एट द पर्टिकुलर एज, माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ईयरली सेविंग है, और ये ईयरली एक्सपेंस आफ्टर रिटायरमेंट जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जो इन्फ्लेशन से वो प्लस हो रहा है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन है जो मैं रन करूंगा कंट्रोल जी करके, ताकि ये मंथली सेविंग की रिक्वायरमेंट आपकी बनती है जो शायद काफी ज्यादा लगे। सो इसे फिर हमें क्या होगा कि हमारे जो गोल्स को रिवाइज करना होगा, या हमें फिर से समझना होगा कि क्या हम ये गोल्स को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से, अभी आप 1,20,000 आप मंथली सेविंग करोगे, इट्स अ मंथली फिगर, तो आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आई नो समटाइम्स इट हैपेंस कि ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें लगेगा कि अरे यार ये तो फिजिबली नहीं है, ये तो पॉसिबली नहीं है, इतना तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्री रिटायरमेंट का हमने 12% पकड़ा है, उसको हम 15% पकड़ते हैं, जिसे मैं क्वाइट पॉसिबल मैं बिलीव करता हूँ। मैं पर्सनली आई नो कि यहाँ पे काफी लोगों के जो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये फिगर इट्स नॉट पॉसिबल, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि ये हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर इसको समझो 15% पे हम करते हैं कैलकुलेशन, तो आपका सीधा मंथली फिगर हो जाता है बिलो 1,99,000, या फिर क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं फिगर्स को एडजस्ट करना होगा। सो बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वेयर वी कैन स्टैंड इन फ्यूचर, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो आई होप मेरा जो मैसेज है वो एक्चुअली पहुंच रहा है आप तक। कैलकुलेशन कैन वेरी, बट मेरा जो मैसेज है कि ये हमें कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम सोच नहीं पाते, हमारे प्लान्स करके रखे हैं, लेकिन वेदर दैट प्लान्स आर अचीवेबल और नॉट। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको, और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कैलकुलेशन किया तो आप काफी अच्छे स्टेज पे रहोगे विदाउट कैलकुलेशन के अलावा। अभी हम हमारा और एक जो कैलकुलेटर, हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आज जैसे मंथली सेविंग 25,000 समझो आपने प्लान किया है, और समझो आपने ऐसी FD में आप करते हो या RD में करते हो इन्वेस्टमेंट, तो एक 15 साल की बात करें तो 25,000 बनते हैं 73 लाख अराउंड 73 लाख। अगर उसे ही हमने 12% में ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो लॉन्ग टर्म 15 इयर्स के लिए, तो आप गैप देख सकते हो कहाँ 73 लाख और कहाँ 1,26,14,000। और मैं 30 इयर्स की तो आप यू विल गो मैड कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है।
या कैसे ये हो, वेदर प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल हो ना। सो ये 30 साल का आप सोचोगे तो ये 6% में होता है 2 करोड़ 52 लाख, और यहाँ पे होता है 12% में 8 करोड़ 82 लाख 47,000। 15% में तो ये फिगर बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा रियलिस्टिक बात करेंगे जो हमें एक्चुअली हम डाइजेस्ट कर पाए। 15% 20% रिटर्न आर सच के जो हम सिर्फ सोच सकते हो, पॉसिबल है वो अचीव भी हो जाए, लेकिन अगर वो अचीव हो जाता है तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो मैं आप सबसे ये कैलकुलेटर शेयर भी कर सकता हूँ और हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट प्लानिंग विद SIP एंड SWP, ये कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है कि जहाँ पे आपने अमाउंट डाला है, कुछ आपकी रिटायरमेंट एज डाली है और आपका स्टार्ट एज है, स्टार्ट एज मतलब आपका कितना पीरियड रिमेनिंग है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने रहेंगे, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना आप एक्यूमुलेट करोगे बाय वे ऑफ SIP, और कितना आपको पेंशन मिलेगा, स्प्लिट पेंशन। यहाँ पे मैंने 8% पकड़ा, इसको 6 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो अगर समझो आपने 50 की एज पे शुरू किया है, अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो आप 30 लाख जमा करते हो, तो आपका 56 लाख हो जाएगा और आपको 28,000 की पेंशन बनेगी। लेकिन वही जो यंग एज में कोई शुरू करता है 30 की एज में, तो वही उसको 3,85,000 की पेंशन मिल सकती है। पेंशन मीन्स एक मंथली अमाउंट यू कैन हैव एज अ SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे कि इसे आपको मंथली इनकम आती रहेगी। सो ये कुछ कैलकुलेटर है, इसके अलावा भी कुछ है जो हम कैलकुलेट मतलब डिटेल प्लान के लिए बहुत कुछ कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन आज के सेशन के लिए ये इतना समझना काफी है। सो जस्ट मिनट, अभी मैं आपको मेरा PPT पे आ जाता हूँ फिर से। मेरा कंट्रोल चला गया थी। सर इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा था। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जो जैसे मैं कल पेंशन प्लान कर रहा हूँ, तो शुड आई गो फॉर दैट और शुड आई गो फॉर लॉन्ग टर्म SIP, बस ये थोड़ा सा समझना था। पेंशन प्लान अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो ना, सो मेरा अपफ्रंट एडवाइस है कि आपको नहीं लेना चाहिए। आप SIP से जाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन एज अ माय पर्सनल एडवाइस इज दैट यू शुड नॉट टेक दैट पेंशन प्लान। अच्छा, आई शुड प्रेफर SIP लॉन्ग टर्म। यस राइट, थैंक। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हां दिख रहा है। ओके ओके फाइन। सो जो मैंने लास्ट में ये 6 मिस्टेक्स की जो बात की थी ना, वो आप रेफर कर लीजिएगा। और जो मेरा लास्ट थॉट है फॉर द टुडे सेशन इज दैट के इवन इफ योर फाइनेंशियल प्लान इज नॉट परफेक्ट, इट मे स्टिल लीव यू इन अ बेटर पोजीशन देन इफ यू हैड डन नथिंग। मतलब कि अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप उतना अचीव नहीं कर पाएंगे जितना आपने प्लान किया होगा। शायद वो प्लान परफेक्ट ना भी हो, लेकिन आप उससे ज्यादा ही अचीव करोगे अगर आपने प्लान किया है तो। ये मेरी प्रोफाइल है जो आपको बाद में मिल जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि ये सेशन को फिर हमें एंड कर सके। थैंक यू रमेश भाई, इट वाज वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। राजू बोल रहा हूँ। या राजू जी, कैसे हैं? नहीं, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, आई रियली अप्रिशिएट इट। फ्रेंड्स, आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। मैं आपसे एक फीडबैक फॉर्म शेयर करना चाहता हूं, जो आप फिलअप करके मुझे भेजिएगा। इट्स ए वेरी सिंपल फॉर्म, सो ताकि मुझे पता चले कि आगे हमें सब लोग कुछ और मीटिंग्स रखनी है, सो दैट वी कैन कीप। हेलो हेलो, या निमिष, so I have a question, like it's out of the scope of the topic that we discussed today. No problem. So it's based on asset allocation. So yeah. like most of the who are into the job, right? So they already have employer's contribution to PF or NPS, and if there is anything remaining, or they contribute to PPF.
then in the case of asset allocation, do you really need to reserve a percentage for debt fund or FDs? Yeah, ये एक पॉइंट में शायद मिस कर गया कि एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम प्लान करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और ये जो हमने बात की, जैसे कि एक थंब रूल है. थंब रूल ऐसा है कि आपकी एज उसे आप 100 से माइनस कर दो. जैसे कि 30 इयर्स की आज मेरी एज है, अगर मैं 100 से उसे माइनस करूँ तो 70% आई शुड बी इन्वेस्टेड इन अ long term product means equity product or equity mutual fund, or 30% should be in a debt product. So accordingly you can balance out your portfolio or use regularly you have to allocate rebalance that portfolio. So jaise ki aap debt ki baat kar rahe ho, equity isme do hi cheez ho sakti, debt or equity. Debt mein kya kya aata hai, jo fixed instruments hai, nahi mai wo likhne ka kya likhu, thanks ke formulas iske liye. Hello Praveen ji, ha sorry. So, वो उसे रीबैलेंस करना जरूरी है. और आपको जैसे आपने सोचा कि मेरा 40% डेट है, तो डेट के अंदर आपका पीएफ भी आ जाएगा, ईपीएफ भी आ जाएगा, एनपीएस में अगर आप डेट में इन्वेस्टेड हो तो वो भी आ जाएगा, लेकिन आपने बैलेंस रखा है वहां पे. सो दैट इट हैज टू बी, अगर आपका वो अकॉर्डिंगली बैलेंस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आप जा रहे हो, जैसे कि आपने सोचा है कि आपका बैलेंस पोर्टफोलियो 40 डेट 60 इक्विटी, अगर आपने सोचा है कि आपका 50 डेट 50 इक्विटी, सो आपको इस हिसाब से जाना है. और आप रेगुलरली जैसे कि आपने सोचा कि हर महीने महीने इसको रीबैलेंस कर सकते हो, तीन तीन महीने या साल भर में भी कभी भी करोगे तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको ये मोटा मोटा एक ही पिक्चर देगा. सिर्फ कभी ज्यादा मूवमेंट है मार्केट में, जैसे कि 2020 में हमने देखा मार्केट जो ज्यादा फॉल हो गया, तो एट दैट टाइम यू टू डू अ रीबैलेंसिंग. अगर आपका वो टाइम नहीं भी आता है रीबैलेंसिंग का, लेकिन वो तभी करना बहुत ही जरूरी है. तो वैसे कुछ कुछ टाइम पे आपको आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है. होप आई आंसर्ड योर क्वेरी. यस यस यस, थैंक यू. एनीवन एल्स? सो फ्रेंड्स, आई थिंक सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू. मैंने कोशिश की है छोटी सी, मैं आपको समझा पाऊं कि फाइनेंशियल प्लान कितना इतना महत्वपूर्ण है और आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो. सो कुछ भी क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो. वी आर डॉट एट 12. सो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन, क्योंकि आज संडे है और संडे में एक घंटा सुबह का निकालना वो बहुत ही मुश्किल होता है. सो थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ. थैंक यू.